मानो या ना मानो। आज की कहानी है हयग्रीव अवतार। प्राचीन समय की बात है, भगवान विष्णु को 10,000 वर्षों तक राक्षसों से निरंतर युद्ध करना पड़ा। युद्ध की समाप्ति पर वे अपने निवास वैकुंठ लोक में गए और पद्मासन लगाकर बैठ गए। उनके धनुष की डोरी चढ़ी हुई थी। लीलावश अथवा थकान के कारण उन्हें गहरी नींद आ गई और वो अपने धनुष के सहारे कुछ झुक से गए। उधर देवगण अपने सभी कार्य निर्विघ्न चलाने हेतु एक यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। असुर सदा ही देवताओं के यज्ञों में विघ्न डाल देते थे। इस बार उनका नेतृत्व हयग्रीव नामक दैत्य कर रहा था। उस दैत्य का मस्तक घोड़े का था तथा धड़ दैत्य का था। वो अत्यंत वीर और बलशाली था। उसे अनेक दैत्य शक्तियां प्राप्त थी, इसलिए इस यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न करने हेतु इंद्र, ब्रह्मा, शिव आदि देवगण विष्णु जी के शरण में पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु योग निंद्रा में अचेत पड़े हैं। जब उन्हें जगाने के लिए देवताओं द्वारा किए गए सभी प्रयास विफल हो गए, तब ब्रह्मा जी ने वम्री नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के आदेश पर उस कीड़े ने धनुष की डोरी काट दी, जिस पर विष्णु सहारा लिए हुए थे। धनुष की डोरी कटते ही ब्रह्मांड को हिला देने वाला एक भयंकर गर्जना हुआ और चारों ओर अंधकार छा गया। देवगण भयभीत हो उठे। कुछ समय के बाद जब अंधकार छटा तो सभी देवता अवाक रह गए। विष्णु का सिर कटकर ना जाने कहां अदृश्य हो गया था। वहां उनका केवल धड़ ही शेष था। सभी देवगण चिंता में डूब गए। तभी ब्रह्मा जी के परामर्श पर सभी देवगण महामाया देवी भगवती के निरंकार स्वरूप का चिंतन करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर जगदम्बिका माता वहां प्रकट हुई। देवताओं ने उनसे भगवान विष्णु की इस दशा का कारण पूछा। माता जगदम्बिका बोली, देवगण, हयग्रीव दैत्य की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उसे इस जैसा हयग्रीव के हाथों ही मृत्यु का वरदान दिया था, पर वर प्राप्त करने के बाद वह पापी दैत्य ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। जब उसके अत्याचार बढ़ गए, तब मैंने उसके वध के लिए एक माया रची। मेरी माया के कारण एक बार देवी लक्ष्मी का मनोहारी रूप देखते हुए भगवान विष्णु को हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने इसे अपना अपमान समझा और विष्णु को शीशहीन होने का श्राप दे दिया। उसी श्राप के कारण विष्णु का मस्तक उनके धड़ से अलग हो गया है। हे देवताओं, विष्णु जी द्वारा इस दैत्य का अंत होना निश्चित है, अतः आप किसी अश्व का सिर काटकर विष्णु के धड़ पर लगा दीजिए। अश्व का मस्तक होने के कारण विष्णु जी का यह अवतार हयग्रीव अवतार कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने भगवती के आदेशानुसार वैसा ही किया। घोड़े का सिर लगाते ही भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। भगवान हयग्रीव और हयग्रीव दैत्य का सैकड़ों वर्षों तक परस्पर भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हयग्रीव दैत्य मारा गया। भगवती की कृपा से देवताओं ने अपने एक बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त की। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपने कमेंट जरूर लिखें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह की अविश्वसनीय अकल्पनीय मान्यताओं और कहानियों के लिए देखते रहिए मानो या ना मानो।